सुनाओ, 3 दिना रहेगा स्टेज बाके फेरे खून कच्ची होल लगी। ये भाई साहब का पूरा मूड फटो, चश्मा टूट गया, इतनी बुरी तरह गुम्मा मारो, इनको का हाल बना दो, ईटा एपेक्स मार दो नकार के, कौन से मोलन ने मारो, कब तो कैसे का झगड़ा होगा पूरी बता। भाई साहब बीएलओ साहब आए थे हमारे घर, हम घर बैठे थे, फोन किया बीएलओ साहब, कह रहे भैया जी हमारे घर मालूम नहीं है, ये घर बता दो। तो हम उनको घर बताने जा रहे थे तो काशीराम, काशीराम का लड़का और 2 अज्ञात लोग आए और गाली देने लगे। जब हमने मना किया भैया हम तो उन्हें बीएलओ साहब ने लुवा लिया तो हम बतावे गए घर, तो गाली देने लगे। जब हमने विरोध किया तो हमको मारा साहब, हमने गाली क्यों दे रहा, तो मैं मारा है बस, मारा कोई रंजिश नहीं है हमारी, कोई नहीं है। काशीराम ने और काशीराम के लड़के ने और 2 अज्ञात, 1 अज्ञात लोग था, अज्ञात लोग थे। पूरा सर वो कम ने बहुत खून निकला है, बहुत ज्यादा खून निकला है, बहुत ज्यादा। इस मौके पर हमारे बीच में पार्षद जी भी मान्य है, ऐसा आपको कहते वो है, आप मौका कहते का नहीं, मैं मौके पे तो नहीं था। कौन सा मौके पे, कुछ मालूम है? बीएलओ साहब, हाँ सर हमारे साथ बीएलओ साहब, मौके क्या है पूरी? मैं 370 नंबर का बीएलओ हूँ, तपरियन की पर्ची बांट रहे थे, कुछ पर्चियाँ मुझे मालूम नहीं थी, मैंने इनसे संपर्क किया कि कुछ पर्चियाँ बता दीजिए, तो मेरे साथ आए, मैं वहाँ जा रहा था, ये कहना मेरे साथ पर्चियाँ कि वो कौन से घर हैं, तो हम वहाँ दे ही रहे थे कि इतने में वो क्या नाम गाली देने लगा, इन्होंने विरोध किया, पत्थर मार दिया। उसके साथ ही बदतमीजी हुई क्या? वो बार बार हमको धक्का दे रहा था, बार बार हम जब हटा रहे थे, उसको पकड़ रहे थे, धक्का मुझे दिया बार बार बार, मैं भी गिरने से बचाऊं कई कई बार, तो बहुत मैं तो बहुत देख के वो हो गया। बीएलओ साहब आए हमारे पास, बीएलओ साहब आए हमारे पास कि भैया हमें मकान मालूम नहीं है, फोन किया हमने कि भैया हमें जानकारी देती है, तो वो आए भैया बीएलओ साहब के, हमें घर बता दो, हम घर बताने चले गए, बस क्या उन्हें क्या क्या रंजिश मानी, गाली गलौज करने लगे, निकल गए और बस हमें मारा। ठीक है, ले जाइए, चले जाइए, धन्यवाद, नमस्कार। चौकी हसाड़ी में मौजूद थे, ये घटना का अंजाम वार्ड नंबर 9 की घटना है, इनका पूरा सर फूट चुका है, देख सकते हो। अब जो सीधे प्रेमनगर थाने के लिए पार्षद जी मानने और बीएलओ साहब प्रेमनगर थाने के लिए जा रहे हैं और मुकदमा की तैयारी प्रेमनगर थाने में करवाने के काम कर